आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस लगातार सियासी समस्याओं से जूझती हुई नजर आ रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य के पार्टी सांसदों के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। हालांकि बैठक में क्या हुआ इसका अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया है, लेकिन गौरतलब ये है कि ये बैठक लुधियाना जिला अदालत परिसर में एक विस्फोट वाले दिन ही हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये बैठक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला में कथित रूप से बेअदबी की कोशिश और इसके बाद दो लोगों को पीट पीट कर हत्या किए जाने की घटनाओं के मद्देनज़र भी हुई। जानकारी के मुताबिक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत नायर, जो कि पटियाला से कांग्रेस सांसद है, वो बैठक में शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर सांसदों से राय मांगी थी। बताते चले कि ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के 10 जनपद आवास पर हुई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।